हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर के बाद। इससे पहले हमने स्पाइनल कॉर्ड का लेक्चर पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन में ये बात आई थी कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन पे आज हम बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, एग्ज़ाम में इसको किस तरह लिखा जाएगा और साथ साथ अगर एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एंटी टेस्ट की तैयारी में किस किस पॉइंट को हम याद रखेंगे, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू जा सकता है, सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है और इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है। देखो, मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, इसमें मेरी मर्जी शामिल है। मैं हाथ को ऊपर नीचे कर, ये एक्शन है, हाथ का ऊपर नीचे करना ये एक्शन है, देखना एक्शन है, मैं अभी लिखना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो एक्शन। तो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन इसी तरह के एक्शन है, लेकिन ये क्या है कि इसमें हमारा इख्तियार शामिल नहीं है, हमारा इख्तियार शामिल नहीं है और ये बड़े तेज़ी से हो जाता है, तेज़ी से हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, अगर इसमें हमारा इख्तियार शामिल नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। और दरअसल बात ये है कि बाज़ औक़ात डेंजर सिचुएशन आ जाता है, डेंजर सिचुएशन जैसे कि सपोज़ करते हैं कि बोर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे मालूम नहीं कि ये गर्म है और गलती से जो है मेरा हाथ, मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, गलती से मैं हाथ इधर टच हो जाता है, तो हाथ टच हो जाता है, वो बिल्कुल हीटेड है, हाईली बहुत हाई टेम्परेचर पर जो है, अभी सोचो कि वो जो नानबाई वाले खाना पकाते हैं उससे भी ज़्यादा हीटेड एरिया है ये। तो अगर इसमें मेरी अपनी मर्जी शामिल होती तो सबसे पहले मुझे दर्द महसूस होता और मैं वहाँ पर बात कर रहा होता हूँ, दर्द महसूस होने के बाद इधर से आग भी जो है वो धुआँ भी आपको नज़र आती थी, ठीक है। और फिर मैं कहता, अच्छा हाथ, मेरा जो हाथ है वो इस वक्त जल रहा है, उससे धुआँ निकल रहा है, तो फिर मैं कहूँगा यार हाथ जल रहा है तो उसको तो हटाना चाहिए, फिर आप हटा देते हैं। उस वक्त तक काफ़ी नुकसान पहुँच चुका हुआ होगा जब अगर आप उसको अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। इसी तरह के कुछ इस तरह के जो डेंजरस काम होते हैं जिसमें हमें क्विक प्रोटेक्शन चाहिए, जल्दी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए, उसमें हमारी मर्ज़ी का होना ज़रूरी नहीं है। हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारे जिस्म के अंदर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर कोई ऑटोमेटिक निज़ाम है जो इस तरह के प्रोटेक्शन में आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका हाथ जो होता है आप उठ करके निकाल देते, ओह माय गॉड, ठीक है। इस तरह ये सिर्फ एक हॉट ऑब्जेक्ट, तो हमारे बुक्स में इसका एग्जांपल है और भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हम लोग जल्दी से हाथ हटा देते हैं या अपना टांग को जो है जल्दी से हटा देते हैं, ठीक है। कोई बंदा ऐसी सोच रहा होता है, आप उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं, राइट, दिस ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ओवरऑल इसका काम क्या है, वो प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये उसका डेफिनेशन है, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटरी, मतलब जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं, इनवॉलंटरी, जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं है, बिल्कुल इसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं है। और रैपिड एक्शन है, रैपिड एक्शन है, स्लो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रैपिड है। और ये किसके कंट्रोल में है, ये स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में है। आपका स्पाइनल कॉर्ड दरअसल एक छोटा ब्रेन है, तो बहुत सारे हेवी काम तो ब्रेन करते हैं, ये छोटे मोटे काम जो है फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के हवाले किया जाता है। तो बोलते हैं आप करो और जल्दी जल्दी से क्या करो, ठीक है। तो ब्रेन के अगर हवाले किया जाता तो शायद उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, सो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको परफॉर्म कर लेता है जल्दी से। यहाँ पर एक और बात भी है कि ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई किरदार है या नहीं है, ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई रोल नहीं है। अलबत्ता जो वाकया हो जाता है उसकी मेमोरी ब्रेन में स्टोर हो जाती है। मिसाल के तौर पर मुझे याद रहेगा कि मेरा हाथ गर्म ऑब्जेक्ट के साथ टच हुआ था और आइंदा मुझे ख्याल करना चाहिए, तो ये इसकी मेमोरी ज़रूर ब्रेन में चली जाती है, लेकिन हाथ को हटाने में, असल काम तो हाथ का हटाना था, हाथ को हटाने में ब्रेन का कोई किरदार नहीं है। हाथ को हटाने में स्पाइनल कॉर्ड का किरदार है, ये एमसीक्यूज आ जाएगा
कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का किरदार है एक्टिव या स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड का किरदार है। ब्रेन फिर क्या करता है, ब्रेन उस वाक्य को जस्ट रजिस्टर कर देगा कि ये हो गया इतने टाइम पर, ये हो गया कल, हो गया परसों, हो गया, आपको याद रहेगा, आपकी मेमोरी का हिस्सा बनाएगा। ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्स आर, क्योंकि ये दोनों एक जैसे अल्फाज है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क ये एक रास्ता है, ठीक है, रास्ते को हम क्या बोलते हैं, पैथ। ये वो रास्ता है जिस पे दौरान रिफ्लेक्स एक्शन, जब आप हाथ हटा रहे होते हैं हॉट ऑब्जेक्ट से, उस वक्त आपके जिस्म में एक करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट आपके जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता हुआ चला जाता है, वो करंट एक रास्ता इख्तियार करके जाएगा। कब, जब आप हाथ को अचानक आप हाथ को हटा रहे होंगे, उस दौरान एक छोटा सा करंट जिसम नर्व इम्पल्स कहते हैं, वो नर्व इम्पल्स आपकी बॉडी में जनरेट करेगा। वो नर्व इम्पल्स जिस रास्ते से होता हुआ आखिर जहाँ तक पहुँच जाता है, वो जो रास्ता है उस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो आप स्टूडेंट ये पूछेंगे कि वो रास्ता कहाँ पर है, आइए वो रास्ता बताता हूँ। और असल एक्सप्लेनेशन ही हुई है, जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हो, एग्जाम में लिखने के लिए डायग्राम का होना जरूरी है, पहले आप डायग्राम लिखोगे या डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद क्या क्या लिखना है, बोर्ड पर जगह नहीं है, मैं बताऊंगा, आप लिखते जाएंगे। ठीक है, आपने एग्जाम में ये लिखना है रिफ्लेक्स आर्क के लिए कि रिफ्लेक्स आर्क में फॉलोइंग आइटम्स आर इन्वॉल्व, फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, आइटम्स की जगह आप कंपोनेंट्स लिखे, फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, पहले आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने मोमबत्ती लिखी हुई, या फिर उसका आग है, फ्लेम है, ये उंगली है, ठीक है, आप दिस इज़ योर फिंगर। अब जैसे ही आपकी आपकी फिंगर इस आग के करीब आ जाती है, तो आग की हीट की वजह से फिंगर के अंदर एक छोटा सा करंट प्रोड्यूस होता है। वो करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, मैंने क्या किया, आपके ये जो फिंगर है उसको दोबारा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके लिया, दिस इज़ योर फिंगर और इसका जिल्द है स्किन। स्किन के अंदर क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर कमाल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं कि ये हीट, जैसे इसको हीट मिल जाती है, ये उस हीट से करंट बना लेता है, नर्व इम्पल्स से बना लेता है। ठीक है, ये रिसेप्टर का, रिसेप्टर की स्पेशलिटी है। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं हीट को नर्व इम्पल्स में, तो ये काम कौन करता है, रिसेप्टर आर करता है। रिफ्लेक्स आर को एग्जामिनेशन में लिखने के लिए सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप रिसेप्टर से स्टार्ट करोगे कि रिसेप्टर हमारे स्किन में मौजूद है, जब आपकी फिंगर आग के फ्लेम के करीब हो जाते हैं तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, एक हल्का सा करंट प्रोड्यूस करते हैं, करंट को नर्व इम्पल्स का नाम दें। करंट में हमेशा अपने आसानी के लिए स्टूडेंट्स को बताता हूँ, दिस इज़ नॉट रियली दैट करंट दैट वन समवन टचेज इट एंड ही और शी गेट्स शॉक, बोला नहीं, बट इट इज़ इक्विवेलेंट टू, क्योंकि उसमें चार्जेस हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब आपको पता है नर्व इम्पल्स, जैसे कि वायर के करंट को बहने के लिए वायर चाहिए, करंट को एक जगह से कमरे के अंदर, करंट को एक जगह से वायर चाहिए, तो नर्व इम्पल्स को जाने के लिए भी वायर चाहिए, छोटा सा धागा चाहिए, वो धागा क्या है, न्यूरॉन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रिसेप्टर्स लिखता हूँ, ये आपकी उंगली के अंदर रिसेप्टर्स आर है, ये रिसेप्टर कनेक्ट है किस चीज़ के साथ, कनेक्ट है एक न्यूरॉन के साथ, न्यूरॉन पर ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, न्यूरॉन के साथ कनेक्ट है, तो ये जो न्यूरॉन है ये उस करंट को लेके जाएगा। अब आपने ये देखना है कि न्यूरॉन कहाँ कहाँ तक जाएगा, ये न्यूरॉन मूव करेगा कहाँ पर, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, शुक्र है कि मैंने स्पाइनल कॉर्ड का वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, आपने स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो आपने देख ली होगी, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी स्पाइनल कॉर्ड की, उसी का डायग्राम अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें स्पाइनल कॉर्ड बाय डॉक्टर आदि, आपके पास हमारे स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, स्पाइनल कॉर्ड से एक छोटा सा शाख यहाँ से निकला हुआ है डोर्सल रूट के नाम से, डोर्सल रूट, और यहाँ से एक दूसरा शाख निकला है वेंट्रल रूट, ये मैंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, डोर्सल वेंट्रल रूट सब कुछ। तो जो डोर्सल रूट है उसमें कौन सा न्यूरॉन आएगा, सेंसरी न्यूरॉन, ये आपका एमसीक्यूज का हिस्सा है।
आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो डोर्सल रूट में है, वो वेंट्रल रूट में नहीं है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से जाकर सेंसरी न्यूरॉन का ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये उसका एक फाइबर है, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये जो एक थोड़ा सा बल्ज हुआ हिस्सा आपको नजर आता है, दिस इज कॉल्ड डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। ये यहाँ पर गैंग्लियन सेल बॉडी है, ये क्या है, दिस इज द सेल बॉडी, सेल बॉडी, ये इस न्यूरॉन का सेल बॉडी उधर पड़ा हुआ है, ये पूरा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसकी सेल बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी डोर्सल रूट के अंदर, और इसके सेल बॉडी से फिर आपका एक एक्सॉन निकला हुआ है, वो एक्सॉन यहाँ तक आ जाएगा, ये जो आपका ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो आपका ग्रे मैटर है, ये न्यूरॉन यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका सेंसरी न्यूरॉन है, जो स्टार्ट किया हुआ है फिंगर के अंदर रिसेप्टर से, उन्होंने स्टार्ट किया होता है, जिसका सेल बॉडी डोर्सल रूट के अंदर पड़ा हुआ है, और जो ख़त्म होता है आपका ग्रे मैटर के अंदर, वो जाकर एंड हो जाता है। ये सेंसरी न्यूरॉन हुआ यहाँ तक। अब सेंसरी न्यूरॉन के बाद यहाँ पर एक और न्यूरॉन है, उसका सेल बॉडी पर यहाँ पर, उसका सेल बॉडी पर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो न्यूरॉन बड़ा स्पेशल न्यूरॉन है, ये जो आप देख सकते हैं, ये एक और न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन का नाम क्या है, एसोसिएटिव न्यूरॉन, ठीक है, या इंटर न्यूरॉन भी इसको कह सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूरॉन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एक और नाम भी देख सकते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव न्यूरॉन है, ये एसोसिएटिव न्यूरॉन उस करंट को वसूल करेगा जो आ रहा है, जो नर्व इंपल्स आ रहा है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये एसोसिएटिव न्यूरॉन बाद में इसका ये सेल बॉडी, तो ये उसका सेल बॉडी है, हर न्यूरॉन का अपना सेल बॉडी तो होता है, तो उसका सेल बॉडी यहाँ पर है, वो सिग्नल को आगे लेके जाएगा, कहाँ पर लेके जाएगा, यहाँ पर फिर एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, वो न्यूरॉन उसका सेल बॉडी फिर यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, वो सेल बॉडी यहाँ पर है उसका सेल बॉडी। तो ये जो दूसरा न्यूरॉन है, ये अब कहाँ पर आ जाएगा, ये वेंट्रल रूट में आएगा, दिस वन इज कॉल्ड वेंट्रल रूट, ये वेंट्रल रूट यहाँ से निकला हुआ है, वो डोर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ है। तो ये डोर्सल निकल के इसका नाम हम क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। टोटल कितने न्यूरॉन हो गए, एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक इंटर न्यूरॉन है, और एक जो है वो मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी ने एसोसिएटिव न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाया, साइनेप्स बनाया, वो जो नर्व इंपल्स है वो यहाँ से जंप लगा के यहाँ पर आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन के अंदर आएगा, मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडी से फिर एक लंबा सा एक्सॉन निकला हुआ था, ये पूरा जो आप देख सकते हैं, ये एक लंबा सा एक्सॉन है, जो कि कहाँ से निकलेगा, सेल बॉडी से, ये एक्सॉन काफ़ी लंबा है, और ये एक्सॉन आखिरकार कहाँ पर आ जाएगा, ये जो एक्सॉन है ये हमारे बॉडी में मसल, दिस ये डायग्राम, ये हड्डी है, ये बोन है, और यहाँ पर क्या है, ये मसल आप देख सकते हैं, ये हमारा मसल है, ठीक है। मसल पर ये मोटर न्यूरॉन आ जाएगा, और मसल के ऊपर जैसे ही ये न्यूरॉन आ जाएंगे तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो सिग्नल आ गया ना, दिस इज, ये जो नर्व इम्पल्स है ये किस्म का सिग्नल है, और ये सिग्नल जैसे ही मसल को मिल जाते हैं तो मसल क्या करेंगे, मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हाथ विड्रॉ होगा, हाथ उस गर्म ऑब्जेक्ट से हट जाएगा, कब, जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द मोटर न्यूरॉन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मसल का दूसरा नाम हमने क्या रखा हुआ है, इफेक्टर रखा हुआ है, क्योंकि असल जो काम है यानी हाथ को हटाना, उसमें मसल का किरदार है, तो मसल को हमने गोने नाम दिया इफेक्टर ई। यहाँ पर आकर नर्व इम्पल्स का रास्ता ख़त्म हो गया, एक लंबा सा रास्ता था, किसने अडाप्ट किया, नर्व इम्पल्स ने, कहाँ से, अगर हम गौर से देखें तो नर्व इम्पल्स है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो रिसेप्टर से स्टार्ट होता है, रिसेप्टर से जो है ये स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ पर जाएगा, टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल चला जाएगा, किस चीज़ के थ्रू, स्पाइनल रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक कौन सा न्यूरॉन है, वो है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन।
तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये स्पाइनल कॉर्ड तक गया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें पता है कि वहां पर एसोसिएटिव न्यूरॉन है। स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये सिग्नल आ जाता है कहां पर? इफेक्टर पर। इफेक्टर पर, इफेक्टर जिसको हम मसल बोलते हैं, ये यहां पर आ गया। तो इस न्यूरॉन का नाम क्या है जो स्पाइनल कॉर्ड से फिर मसल तक आया होता है? उसका नाम है मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन है। तो नंबर वन रिसेप्टर, नंबर दो सेंसरी न्यूरॉन, नंबर तीन स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं इंटर न्यूरॉन, आप यहां पर लिख सकते हैं, या एसोसिएटिव न्यूरॉन आप यहां पर लिख सकते हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन को आप चार नंबर पे लिख सकते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन को। पांचवें नंबर पर आपका मोटर न्यूरॉन आएगा, छठे नंबर पर आपका इफेक्टर आ जाएगा। तो ये जो रास्ता हमें नज़र आ रहा है, इस रास्ते का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। और इस लेक्चर में अपने वादे के मुताबिक मैंने डिटेल में रिफ्लेक्स एक्शन भी बता दिया, रिफ्लेक्स आर्क भी आपको मैंने बता दिया। इसी तरह से ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो समझ आ गई है तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें। जो फ़ायदा आपको मिलता है आप ये फ़ायदा दूसरों को भी पहुँचाएँ। इससे आपकी नॉलेज में कभी कोई कमी नहीं आएगी, न इससे आपके जॉब को ख़तरा होगा। इससे सेंड कर दीजिए, ये मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड की है, आप सबके लिए, किसी एक रीजन या किसी मज़हब या किसी एक शख्स के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए, मुल्क के आसपास पूरे हिमसाया के लिए है। तो डू इट, और मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।